Please subscribe the channel and press bell icon to get notifications of new videos. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है www. ये तीन W आपने बहुत बार देखे होंगे जब आप इंटरनेट यूज करते हो, हमेशा ही देखते हो, है ना. कोई भी साइट है उसके स्टार्टिंग में जब उसका एड्रेस होता है वहां पे ये तीन W आपको मिलते ही मिलते हैं. तो चलिए देखते हैं कि है क्या ये www. तो सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि इनकी फुल फॉर्म क्या होती है. तो www की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब, है ना. तीन W हो गए ना, तो इसकी हो जाएगी वर्ल्ड वाइड वेब. इसको सिंपल वेब भी कह सकते हैं, ओके. इसे संक्षेप में W3 भी कहा जाता है. W3 कैसे बनाइए, क्योंकि तीन W है, ओके, इसलिए W3 भी कहा जाता है. अब ये है क्या www. जो www है वो वर्ल्ड वाइड वेब है. और आगे देखिए कि जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो प्रोग्रामों, मानकों एवं प्रोटोकॉल्स का एक सेट होता है. प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, रूल्स होते हैं, ओके. तो www क्या है, प्रोग्रामों, मानकों एवं प्रोटोकॉल का एक सेट होता है जो सभी प्रकार की टेक्स्ट, इमेजेस, एनिमेशन, साउंड और वीडियो को वेबसाइट के रूप में स्टोर करने और उसको एक्सेस करने और इकट्ठा जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं, ओके. वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो क्या है, एक प्रोग्राम्स जो होते हैं या फिर जो मानक होते हैं या जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उनका एक सेट होता है, ताकि जो भी टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, साउंड जो भी है उनको एक वेबसाइट के रूप में स्टोर किया जा सके, उनको इकट्ठा करके रखा जा सके, उनको एक दूसरे से लिंक किया जा सके और जरूरत पड़ने पर उनको एक्सेस किया जा सके, ओके. मूल रूप से www पूरे विश्व के हजारों कंप्यूटर में संग्रहित लाखों वेब पेजेस का एक समूह होता है. www क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब ही हो गया. तो जब वर्ल्ड वाइड वेब ही हो गया तो क्या हो गया, पूरे वर्ल्ड में जितने कंप्यूटर्स हैं, क्योंकि बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं और उनमें बहुत सारे वेब पेजेस हैं. वेब पेजेस हम आगे देखेंगे क्या होता है, उन सब का क्या है, ये एक ग्रुप बना हुआ है, ओके. उसके बाद आता है कि यह एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जहां फाइल एवं वेब पेजेस आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है. जो हाइपरलिंक फाइल्स होती हैं और जो वेब पेजेस होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं, तो वो जो बड़ा नेटवर्क है वही क्या है, वही वर्ल्ड वाइड वेब है. इसको वर्चुअल स्पेस बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दुनिया के सारे वेब पेजेस, वेब सर्वर्स, वेबसाइट्स को HTTP प्रोटोकॉल के जरिए एक्सेस किया जा सकता है. यहाँ पे जो वेब पेजेस को जो एक्सेस करते हैं वहां पे प्रोटोकॉल जो यूज होता है वो यूज होता है HTTP, ओके. ये भी आपने देखा होगा और ये हम आगे भी पढ़ेंगे कि कैसे HTTP है, कहाँ पे www लिखा हुआ है, कहाँ पे वेबसाइट का एड्रेस लिखा हुआ है. तो ये सारी चीजें हम एक एक करके आगे डिस्कस करेंगे. अभी आपको सिर्फ ये देखना है कि जो वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, वो पूरे संसार में फैला हुआ एक नेटवर्क है जहाँ पे जो वेब पेजेस हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, जो फाइल्स हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक है, और इसमें हम जो भी टेक्स्ट है, इमेजेस है, ऑडियो, वीडियो, उनको स्टोर किया जा सकता है, उनको एक दूसरे से जोड़ा जाता है ताकि जरूरत पड़ने पर उनको एक्सेस किया जा सके. उसके बाद आता है www के एलिमेंट्स कौन से हैं, तत्व कौन से हैं. तो देखिए कौन कौन से होते हैं इसमें. एक तो वेब पेज आता है, वेबसाइट आता है, वेब सर्वर आता है, वेब ब्राउजर आता है, हाइपरलिंक और हाइपरमीडिया आता है, HTML आता है और सर्च इंजन आता है, ओके. ये जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब के एलिमेंट्स होते हैं. ये टर्म हम वर्ल्ड वाइड वेब में यूज करते हैं. तो सबसे पहले देखिए कि वेब पेज क्या है. वेब पेज क्या होगा, कोई भी वेबसाइट खोलते हो वहां जो पेज ओपन हो रहा है वो क्या है, वेब पेज है, ओके. इंटरनेट पे आप कुछ भी सर्च कर रहे हो, आपके सामने जो पेज आ रहा है, जो पेज आपको दिख रहा है वो क्या है, वेब पेज. क्योंकि आप क्या यूज कर रहे हो, वेबसाइट यूज कर रहे हो. और वेबसाइट किससे मिलके बनी होती है, वेब पेज से मिलके बनी होती है. तो जो आपके सामने पेज है उसको क्या बोला गया, वेब पेज.
इसमें कहा गया है कि www में प्रत्येक सूचना विशेष डॉक्यूमेंट के रूप में स्टोर होती है जिन्हें वेब पेज कहा जाता है। कोई भी इंफॉर्मेशन होगी वो पेज के रूप में होगी, डॉक्यूमेंट के रूप में होगी, जिसको क्या बोला गया, वेब पेज। किसी भी वेबसाइट का प्रथम या फिर कहो मुख्य वेब पेज होम पेज कहलाता है। जब हम साइट खोलते हैं तो जो पहला पेज ओपन होता है, जो उसका मुख्य पेज होता है, वो क्या होता है, होम पेज। ओके, कोई भी साइट ओपन कर लो आप, चाहे किसी कॉलेज की कर लो, स्कूल की कर लो, किसी यूनिवर्सिटी की कर लो, कोई भी साइट अगर आप ओपन करते हो तो जो पहला पेज ओपन होगा, जो मुख्य पेज होगा, उसको होम पेज बोला जाएगा। ओके, उसके बाद आता है कि वेबसाइट क्या होती है। तो वेबसाइट तुम्हें पता ही है, वेब पेजेस से मिलकर बनी होती है, मीन्स वेब पेजेस का समूह जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। वेब पेजेस एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो जो ग्रुप है वेब पेजेस का, उसको क्या बोला गया, वेबसाइट बोला गया। उन सभी में परस्पर संबंधित जानकारी होती है जिसे वेबसाइट कहा जाता है। एक वेबसाइट के वेब पेज अन्य वेब पेज से लिंक रखते हैं, ये लिंक हाइपरलिंक कहलाते हैं। हर एक पेज जो है वो एक दूसरे से जुड़ा होता है, और वो जो लिंक होते हैं उनको क्या बोला गया, हाइपरलिंक। जब भी यूजर हाइपरलिंक पर क्लिक करता है तो हाइपरलिंक से जुड़ा हुआ पेज ओपन हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि नेक्स्ट लिखा होता है ना पेज, जब भी आप पूरा पेज रीड करते जा रहे हो नीचे या फिर साइड में कहीं पे नेक्स्ट लिखा है, तो जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो अगला पेज खुल जाता है, मींस नेक्स्ट पेज खुल जाता है। अगर बैक लिखा है, बैक पे क्लिक करते हो तो पीछे वाला प्रीवियस पेज खुल जाता है। तो वो जो पेजेस खुल रहे हैं वो क्यों खुल रहे हैं, क्योंकि वो आपस में लिंक है, और वो जो लिंक है उसको क्या बोला गया, हाइपरलिंक। क्योंकि जो वेब पेजेस हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, वही पेजेस वेबसाइट बनाते हैं, उन वेब पेजेस के समूह को ही क्या कहा जाता है, वेबसाइट कहा जाता है। और वहां पे जो लिंक है जिससे वो जुड़े हुए हैं उनको बोला गया हाइपरलिंक। उसके बाद है वेब सर्वर। क्या होता है वेब सर्वर? जो होता है वो एक बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर होता है जो वेबसाइट के रूप में सूचनाओं को इकट्ठा करके रखता है। यह वो जगह है जो जहां पे वास्तव में साइट बनाई गई, उसमें डेटा स्टोर किया गया और जहां से एक्सेस किया जा सकता है। वैसे तो हम एक्सेस तो हर जगह से करते हैं ना, लेकिन जहां पे साइट बनाई गई जिसमें डेटा डाला गया, वो एक कंप्यूटर जो है उसको क्या बोला गया, वेब सर्वर बोला गया। ओके, उसके बाद आते हैं कि वेब ब्राउजर क्या होता है। तो आप जब भी इंटरनेट एक्सेस करते हो, सबसे पहले तो आप क्या करते हो, इंटरनेट एक्सेस जब भी करते हो कंप्यूटर पे, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, है ना। हम अपने फोन से या जैसे भी वाईफाई से जैसे भी हम इंटरनेट कनेक्ट करते हैं, उसके बाद हम क्या ओपन करते हैं, उसके बाद हम कोई ना कोई वेब ब्राउजर ओपन करते हैं, क्योंकि बिना वेब ब्राउजर के हम इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाते। तो वेब ब्राउजर क्या है, वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है जो वेबसाइट के रूप में इंटरनेट पर मौजूद जानकारी को प्राप्त करने के लिए किया जाता है यूज। इंटरनेट से सूचना एक्सेस करने के लिए कंप्यूटर में एक वेब ब्राउजर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि विदाउट वेब ब्राउजर हम इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण वेब ब्राउजर है जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स है, सफारी है, एपिक है। ये कुछ एक इंटरनेट में हम क्या करते हैं, वेब ब्राउजर यूज करते हैं। जैसे ही आपने इंटरनेट कनेक्ट कर लिया, उसके बाद आप गूगल पे कुछ सर्च करने जा रहे हो, तो गूगल तक पहुंचने के लिए क्या यूज करोगे, किसी वेब ब्राउजर का यूज करोगे। जैसे आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज किया, जो एक जो हमारा डेस्कटॉप है, स्क्रीन है, उस पर जैसे ई के साइन का कुछ होता है, वो इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, उस पर हम क्लिक करते हैं, पहले उसको हम ओपन करते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, हमें कौन सी साइट पे जाना है, कौन सी साइट हमें ओपन करनी है, वो हम ओपन करते हैं। तो ये क्या है, ये वेब ब्राउजर होता है। इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए हमारे कंप्यूटर में एक वेब ब्राउजर का होना बहुत जरूरी है ना। उसके बाद आता है सर्च इंजन। अब ये सर्च इंजन क्या है, सर्च इंजन क्या है, वो सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम कुछ सर्च कर पा रहे हैं। ओके, वो सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम इंटरनेट पे कोई इंफॉर्मेशन सर्च कर पा रहे हैं। तो हमने क्या किया, इंटरनेट कनेक्ट कर लिया, वेब ब्राउजर भी ओपन कर लिया, यूज कर लिया इंटरनेट एक्सप्लोरर, उसके बाद हमें कुछ सर्च करना है, तो हम क्या ओपन करते हैं, गूगल ओपन करते हैं, है ना, याहू ओपन करते हैं। तो वो गूगल क्या है, वो एक सर्च इंजन है।
गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। तो सर्च इंजन एक खास सॉफ्टवेयर होता है जो इंटरनेट पर मौजूद सूचनाओं में यूजर द्वारा इच्छित सूचनाओं को सर्च करता है। मतलब यूजर क्या चाहता है, यूजर जो टाइप करता है, जो कीवर्ड्स टाइप करता है, उनको मैच करके सर्च इंजन क्या करेगा, यूजर के सामने उन इंफॉर्मेशन को दिखाएगा जैसा यूजर चाहता है उसके अकॉर्डिंग। तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर कर रहा है, वो सर्च इंजन कर रहा है। तो यहाँ पे जो गूगल है, याहू है, अमेज़न है, वो क्या है, सर्च इंजन होते हैं। ओके, वेब ब्राउजर और सर्च इंजन में कंफ्यूज नहीं होना। वेब ब्राउजर किस लिए यूज कर रहे हैं हम, ताकि हम इंटरनेट को एक्सेस कर पाए, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया। उसके बाद जब हम कुछ सर्च करना चाह रहे हैं, जैसे हम गूगल पे सर्च करते हैं, तो गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है जो सर्च करने में हेल्प करता है। तो www में हम इतना ही पढ़ेंगे कि ये होता क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, इसमें सारी वेबसाइट स्टोर होती हैं, और इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, जैसे कि वेब पेज हो गया, वेबसाइट हो गया, वेब सर्वर हो गया, वेब ब्राउजर हो गया, हाइपरलिंक क्या होता है, HTML क्या होता है, सर्च इंजन। ये जो HTML है इसको हम आगे पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक आने वाला है एक नेक्स्ट चैप्टर में। HTML क्या है, HTML की फुल फॉर्म आपको याद कर लेनी है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है URL, ठीक है, URL। क्योंकि आप कुछ भी सर्च करते हो, किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, तो उस वेबसाइट का क्या पता होना चाहिए, आपको URL पता होना चाहिए ना। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।